किंजाई प्रदेश प्रोग्राम में थोड़ा सब का स्वागत है। अब असं तुम्हें लेके चल रहे हैं माई चॉइस वीजा एडवाइजर निहाल सिंह वाला। निहाल सिंह वाला के नाल नाल माई चॉइस वालों मोगा भगता भाईका और ब्रिस्बेन आस्ट्रेलिया विखे भी अपनी सेवावान दिखाई जा रही हैं। इतने बच्चों को आयल्स की कोचिंग दी जाती है। इस स्टडी वीजा और विजिटर वीजा की फैसिलिटी भी मौजूद है। इतों का स्टाफ बहुत ही मेहनती तजुर्बेकार है। इतों के एम डी संदीप सिंह धालीवाल जी अंथक मेहनती इंसान ने और स्टाफ को अपना पूरा सहयोग देते हैं। आओ लेके चलते हैं तुम माई चॉइस वीजा एडवाइजर निहाल सिंह वाला। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते किंज जाइए प्रदेश प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं माई चॉइस एक ऐसा नाम जिन्होंने निहाल सिंह वाला दे बाहर बैठ के मतलब निहाल सिंह वाला जो पूरा खत्म हो जाता बाहर अपना ऑफिस लैके अज सैकड़ों की गिनती जोड़े वीजा जोड़े है लगा रहे हैं। और वीर जी जिन्ह ने यह बूटा लाया सीगा शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका। आप इन्होंने अज एनर्जैटिक स्टाफ के नाल सर ने कहा कि मेरे स्टाफ नाल कहिंदा मेरी जिहड़ी ताकत हैगी मेरा स्टाफ हैगा तुसीं उन्हां दे नाल जरूर गलबात करो। कोई वेब फाइलिंग कर रहा हैगा कोई आईलेट्स पढ़ा रहा हैगा ये सारे के सारे अलग अलग फील्डां दे विच ने जिहड़े अपनी सेवा दे नाल इस फुलवाड़ी नूं जिहड़ा हैगा उपर लैके जा रहे हैं। सब तो पहले असीं गल करांगे करमजीत जी दे नाल। करमजीत जी स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद जी। करमजीत जी की कहना चाहोगे कि यह एक टीम वर्क है जिदे नाल अज आप देखा कि सर धड़ाधड़ वीजे जिदा ताश के पत्ते गिरते होंगे उदा मतलब जो है वीजे गिर रहे थे की कहना चाहोगे? बिल्कुल जी क्योंकि नया साल चढ़ रहा है पिछले साल के बहुत सेवावान माई चॉइस ने कीतियाँ तुम सारा यंग एनर्जैटिक स्टाफ खड़े हो की कहना चाहोगे? एक टीम वर्क ही होंगे। पिछले साल जिमें कि असी बहुत काफ़ी सारे वीजा दिलवाए स्टूडेंट वीजा भी विजिटर वीजा ओपन वर्क परमिट तो सक्सैस रेट जोड़ा हैगा साडा मैं लगता कि साडे इलाके सारे नालों ज़्यादा वधिया तो असी मतलब क्लाइंट नू पूरी प्रॉपर गाइडेंस दिने आ। तो नए साल दे विच फिर एक सेवावान जिहड़ियां उम्मीद चालू रहनगियां और जिहड़े पहले नए साल च 15 जाने आणगे उन्हां दे लई खास रिवायतां होणगियां? बिल्कुल जी असी सलाह करके असी पहले ही सोच रहे हैं कि उन्हां नू कुछ ऑफरस देईए नवे साल ते ते जिहड़े आउणगे बिल्कुल उन्हां नू कुछ देवांगे। बेटा की कहना चाहोगे कि एक बड़ी मेहनत दा सदका हैगा ये टीम जी लगी हुई है दिन रात की परवाह किए बिना सर कले नहीं है सादी सारी ये बाहां सज्जियां बाहां जिन्होंने मेहनत की हैगी कोई आईलैट्स के फील्ड कर रहा है कोई इमीग्रेशन के फील्ड कोई स्टडी वीजा के फील्ड कोई फाइलिंग कर रहा है एक टीम वर्क है जिसे सर अगे जा रहे हैं। और सर ने जिदा कहा कि अज मैं नहीं अज मेरी टीम आऊगी की कहना चाहोगे? हाँ जी माई चॉइस एक बहुत वड्डी संस्था है इत्थे इक्को छत थले बहुत सारे काम इत्थे किए जाते हैं भी सारे काम इत्थे तुहानूं उपलब्ध मिलणगे वधिया ढंग नाल चिज्जे ढंग नाल सारे वधिया साफ सफाई नाल काम किया जाता है प्रोपर फाइलिंग की जाती है प्रोपर वीज़ा प्रोसैस किया जाता है क्लाइंट नाल संतुष्टि नाल उन्हां दी संतुष्टि के द्वारा ही उन्होंने जवाबदेही दी जाती है। और चेन बन रही है जी एक तो गल अगे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि जो एक बंद का वीज़ा लगता बड़ी दूर दूर तो वीजे हरियाणा के वीजे भी इतने लग रहे हैं हिमाचल के लग रहे हैं मतलब ये समझिए भी निहाल सिंह वाला निका जहा एक पिंड है पर लेकिन जिस तरीके सर दी जी शैली है काम करन दी तेजी है साफ सुथरा काम करते हैं वो कलाइंट साढ़े नाल जुड़ रहे अगे दी अगे जिदा कलाइंट नूं काम साढ़ा पसंद आउंदा वीजा आउंदा उहदा वो अगे अपने रिश्तेदार दा दोस्त दा मित्र दा कोई ना कोई अपने सगे संबंधी नूं लैके आउंदा उस तरह साडी चेन अगे वध रही है वो काम बोलदा सारिआं ने मतलब भाई चो ऐसी टीम नवे साल ते मतलब पूरा लोगां नूं इक संदेशा दे रहे वी आओ। हाँ जी नवे साल के नाल भी लोहड़ी के नाल भी माघी के नाल भी असी लोगों को पूरा संदेशा दिंदे आ कि साडे कोले आओ अब साडा काम देखो फिर सानू जवाब दिओ। टीचिंग का जिहड़ा मैथड है वह भी सारे गाइड करते हैं कि आपां काउंसल करनी आ बच्चों वो बच्चे जिहड़े वीक है उन्होंने भी आपां इत्थे क्वालिटी प्रोडक्ट है इत्थे क्वांटिटी नहीं देखी जाती इत्थे ये नहीं हुंदा कि साडे कोले 100 स्टूडेंट आवे इत्थे आउंदा ही 10 स्टूडेंट आउण जिहड़े 10 आउण 10 बैंड लैके जाण और उस संदर्भ दे विच तुसीं मेहनत कर रहे हो की कहना चाहोगे? यस सर जिमें आप एक थोड़ा पहला सर ने गल की है कि सर अपने को सारिया फैसिलिटीज अंडर वन रूफ मिल रही ने जिमें अपने को उपर आलस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं आप अपने को बच्चे आते हैं जो अपने को बच्चे वीक ने मतलब कि आप कहें कि नहीं कर रहे फस्ट अटैम्प्ट आप उन्होंने अलग क्लास दे रहे हैं अलग अलग उन्होंने काउंसलिंग कर रहे हैं जेडे मॉड्यूल वीक ने आप उन्होंने उस मॉड्यूल के द्वारा रिपीटेशन कर रहे हैं कि उन्होंने स्पेशल फोकस किया जाता उन्होंने बच्चों से इंग्लिश बोलनी कि प्रेशर च नहीं लैना
ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਈ ਘਬਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਸਥਾ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨਸਾ ਸੰਦੂਰਗੜ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਮ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਟਸ ਆਲ ਬੈਸਟ, ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ।